हेलो दोस्तों, मैं हूं संतोष यादव और आपका स्वागत है मेरी वेबसाइट cncbasic.com पर। दोस्तों, आज के वीडियो में जो है मैं आपको ये बताऊंगा कि हम मशीन पर जो चक यूज़ करेंगे, चक मतलब चक्का, ठीक है, उस चक पे जो है हम जॉज का भी यूज़ करते हैं, जॉज लगाएंगे, फिर जॉज को बनाने के बाद उसमें हम किसी भी कंपोनेंट की जो है क्लैंपिंग करेंगे, किसी भी कंपोनेंट को हम पकड़ेंगे। तो जो चक होते हैं वो हमारे दो टाइप के मोस्टली आते हैं, एक होता है 3-जा चक और एक होता है हमारा 4-जा चक, ठीक है, जिसमें 3 जॉज लगेंगे वो 3-जा चक है, और जो 4-जा चक है जिसमें हमारे 4 जॉज लगेंगे, ठीक है। तो जॉज आप पहले भी मशीन पे देख चुके हैं, बाकी मैं अभी आपको जो है मैं थोड़ा प्रैक्टिकली आपको चक दिखाऊंगा और जॉज भी दिखाऊंगा कि जॉज कैसे लगेंगे आपको, ठीक है। तो प्रैक्टिकली इसमें आपको चक देखने को मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन से चक हमारे होते हैं। आइए, एक होता है हमारा 3-जा चक और एक होता है हमारा 4-जा चक। 3-जा चक में क्या होगा, चक हमारा कुछ इस तरीके से होता है 3-जा वाला, उसमें क्या होगा, आप एक इस तरीके से होगा, एक ऐसे होगा और एक आपका ऐसे आपकी असेंबली होगी, ठीक है। तो और ये बीच में आपका होल होता है, ठीक है। तो इस तरीके के जॉज होते हैं, यहाँ पे ये जो होता है हमारा मास्टर जॉज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, मास्टर जॉज लगा लेते हैं अपने, और यहाँ पे क्या होता है, एलन बोल्ट होता है, एलन बोल्ट से हम यहाँ पे जॉज को टाइट कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये जो चक है ये हमारा कौन सा होता है, इसको कहते हैं 3-जॉ चक। ठीक है दोस्तों, ये 3-जॉ चक है हमारा। अब इस 3-जॉ चक में जो है हम किस टाइप के कंपोनेंट पकड़ेंगे, तो कोई भी अगर रॉ मटेरियल को हमें पकड़ना है तो हमारा क्या होना चाहिए, वो पीस हमारा गोल होना चाहिए। तो कोई भी गोल पीस हो या आप राउंड पीस बोल लीजिए, तो उस पीस को जो है आप 3-जॉ चक में पकड़ेंगे, ठीक है। तो पहला क्या होगा, वो गोल होना चाहिए आपका, ठीक है, वो राउंड होगा आपका, तो ही आप उसे पकड़ पाएंगे। तो आप गोल पीस को इसमें पकड़ सकते हैं, ओके। दूसरा आप क्या पकड़ेंगे इस पे, आप जो है इसमें हेक्सागनल पीस पकड़ सकते हैं कोई भी, ठीक है, कोई भी आप कौन सा पीस पकड़ेंगे, हेक्सागनल, हेक्सागोनल पीस आप इसमें कोई भी पकड़ सकते हैं। इसके छह आपके छह व्यू होती हैं, छह भाग होता है इसका, ठीक है ना। तो आप जो है इसको पकड़ सकते हैं और राउंड पीस को इसमें पकड़ सकते हैं इजीली 3-जॉ चक में। बट आप क्या, तीसरा अगर बोल दें स्क्वायर पीस पकड़ने को, तो आप स्क्वायर पीस को नहीं पकड़ पाएंगे, ठीक है। तो स्क्वायर पीस को आप नहीं पकड़ पाओगे 3-जॉ में। तो इसके लिए क्या है, अगर हमें स्क्वायर पीस पकड़ना है तो क्या करेंगे, आप या तो जॉब के लिए फिक्चर बनाएंगे अलग से, ठीक है, फिक्चर असेंबली बनाएंगे या कुछ ना कुछ हम इसमें जुगाड़ करेंगे अपना, ठीक है। अदरवाइज सिंपल तरीका क्या है कि हम स्क्वायर पीस को बनाने के लिए जो है 4-जॉ चक का यूज करें। तो 4-जॉ चक में क्या होता है, एक जो जॉज होता है ना हमारा, एक जॉज इसमें और बढ़ जाता है, 4 हो जाते हैं इसमें, ठीक है। तो इसमें कुछ इस तरीके से बनेगा आपका, देख लीजिए चक, अभी मैं प्रैक्टिकल भी आपको दिखाऊंगा, एक 2 3 4, ठीक है, ये हमारे क्या है, मास्टर जॉज हैं, ये एलन बोल्ट की जगह दे दी हमने इसे, ठीक है। अब बीच में क्या होगा, एक गोल जो है हॉलो पीस होगा इसमें, इसमें आप कोई भी जो है कोई भी पीस आप इसमें लंबा पीस कोई अगर आप पे कोई रॉड आ जाए, कोई सरिया आ जाए, कोई लेंदी पीस हो तो आप इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये 4 है, तो इसको क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम 4-जॉ चक। तो जो 4-जॉ चक में क्या है, हम गोल पीस को हम इसमें भी पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो आपका कोई गोल पीस है या आपका राउंड बोल लो, आप राउंड पीस हो आपका, तो आप उसको इसमें पकड़ सकते हो इजीली। सेकंड क्या है, इसमें आप स्क्वायर पकड़ सकते हो, ठीक है। तीसरा क्या है, इसमें आप जो है हेक्सागोनल पीस को नहीं पकड़ सकते,
ठीक है, हेक्सागोनल पीस इसमें नहीं पकड़ पाओगे आप। दोस्तों स्क्वायर पीस इसमें पकड़ पा रहे हो, हेक्सागोनल इसमें पकड़ पा रहे हो, तो हमें इसे सिलेक्शन करना पड़ता है कंपोनेंट के हिसाब से कि हमारा कंपोनेंट कौन सा है। तो इसके लिए हम क्या है, चक कौन सा लगाए। अगर हमारा स्क्वायर है तो हमें क्या लगाना है, फोर्जा चक लगाना है, और अगर हमारा हेक्सागोनल कंपोनेंट है, ठीक है, तो हमको लगाना है थ्रीजा चक। तो ये हमारा सिस्टम होता है पकड़ने के लिए किसी भी कंपोनेंट के क्लैंप करने के लिए, ठीक है। तीसरा एक जो बेस्ट होता है, सबसे अच्छा होता है, वो छोटे कंपोनेंट के लिए ज़्यादा यूज होता है, और अगर हाई प्रोडक्शन लेना हो, मास प्रोडक्शन हो, तो हम एक कॉलेट असेंबली होती है, कॉलेट असेंबली का यूज़ करेंगे मशीन पे, ठीक है। तो उसमें कॉलेट चक होता है आपका, तो वो एक अलग चीज़ है, उस पर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। आइए अब मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकल जो है ये मैं आपको थ्रीजा चक और फोरजा चक ये दोनों मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों अगर आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं हमारे पास आगे, प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं, सेटिंग सीखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप कंप्लीटली जो है बिल्कुल ड्राइंग के हिसाब से किसी भी कंपोनेंट को बना पाए, तो उसके लिए आप बिल्कुल बेफिक्र होकर आप मेरे पास आ सकते हैं, मैं आपको सीएनसी प्रोग्रामिंग सिखाऊंगा। आइए चलते हैं। तो देखिए अब आपके सामने चक है ये दोनों। मैंने आपको जो सबसे पहले जो चक बताया था वो बताया था थ्रीजा चक। तो थ्रीजा चक आप देख पा रहे होंगे सामने, ये थ्रीजा चक भी, ये देखिए ये हमारा थ्रीजा चक है, ठीक है। अब इस थ्रीजा चक में क्या है दोस्तों, ये देखिए हम तीन तरह के हमारे यहाँ पे जॉज होते हैं। एक जो जॉज है ये जो टिथ इसमें कटा हुआ है, देख लीजिए ये टिथ है ये, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा क्लोज करके, ये देखिए ये जो है ना एक तरह का इस पर टिथ बना हुआ है, ये देखिए ये टिथ है, ये 55 डिग्री और 60 डिग्री में होता है आपका ये टिथ। तो ये टिथ जो है क्या करेगा कि ये जो हमारा जो चक जो है, ये जो चक है ये थ्रीजा चक है, ठीक है ना, इसमें वन जॉ ये है, सेकंड जॉ और ये तीसरा जॉ है, ठीक है। तो ये तीन जॉ है हमारे, तो इस तीन जॉ में क्या करेगा, ये जो है हमारा, ये हमारा ऐसे करके सेट हो जाएगा इसमें, ठीक है। ये देखिए आप, ये हमारा क्या है, ये थ्रीजा चक है। तो आप थ्रीजा चक से क्या है, मैंने आपको जैसे समझाया था कि थ्रीजा चक से जो है हम कौन कौन से पीस को पकड़ सकते हैं, एक तो कोई भी हमारा गोल पीस होगा, ठीक है, गोल पीस के साथ साथ दूसरा हमारा क्या होगा कि हम गोल पीस और दूसरा जो है हम हेक्सागोनल पीस, ये दो पीस हम इससे आराम से पकड़ सकते हैं। लेकिन इससे जो है हम चकोर पीस नहीं पकड़ सकते, कोई भी स्क्वायर पीस जो है हम थ्रीजा चक में नहीं पकड़ पाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए या तो हमें कोई फोरजा चक लगाना होगा या हमें क्या करना पड़ेगा, फिक्चर असेंबली बनानी पड़ेगी। लेकिन जो बेस्ट जो यूज़ है कि थ्री जॉज में हम क्या बना सकते हैं, थ्री जॉज में हम गोल पीस पकड़ सकते हैं, कोई भी राउंड पीस आप पकड़ सकते हो। दूसरा आप क्या है, हेक्सागोनल पीस, जो छः भाग वाला जो होता है, जो आपने देखा होगा जिसमें छः हमारे हिस्से होते हैं, वो वाला हमारा हेक्सागोनल होता है, तो उसे हेक्सागोनल कहते हैं, उसे आप पकड़ सकते हो। सेकंड देखिए दोस्तों, अब मैं दिखाता हूँ आपको फोरजा। ये देखिए ये हमारा क्या है, ये फोरजा है। फोरजा में क्या है दोस्तों हमारा, ये देखिए ये हमारा फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और ये है हमारा क्या, फोर्थ जॉज। तो ये फोरजा है। फोरजा में क्या होगा, चक देखिए इसमें जो, देखिए जॉज हम कैसे लगाएंगे, ये देखिए ठीक है। तो इस तरीके से क्या है कि फोरजा चक में जो है आप कौन कौन से पीस को पकड़ सकते हो, कोई भी अगर गोल पीस है, कोई भी राउंड पीस है, तो आप उसे आराम से पकड़ सकते हो फोरजाज में। आप क्या कर सकते हो, इसमें स्क्वायर पकड़ सकते हो चकोर पीस को, ठीक है। तो आप जो है चकोर पीस को, स्क्वायर पीस और गोल पीस को इस पर पकड़ सकते हो फोरजा चक पे, ठीक है, जो सामने आप देख पा रहे हो ये, ठीक है। लेकिन इसमें क्या बंदिश है, इसमें आप क्या नहीं पकड़ पाओगे, इसमें आप हेक्सागोनल नहीं पकड़ पाओगे, हेक्स, ठीक है। जो छह भाग वाला जो पीस है, वो आपका जो हेक्सागोनल जो पार्ट है, आप हेक्सागोनल इसमें नहीं पकड़ सकते, ठीक है। स्क्वायर पकड़ पाओगे इस पर, और इस पर पकड़ पाओगे आप गोल पीस, ठीक है। तो दोस्तों यही चीज था। देखिए यहाँ पे आपको मैंने जो है दोनों चक दिखा दिए, ये देख लीजिए, और यही मोस्टली जो है सबसे ज्यादा यही यूज होते हैं आपके, ठीक है।
तो आप कभी भी किसी मशीन पर जाएंगे तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि हम थ्रीजा चक जो है, थ्रीजा चक में हम हेक्सागनल पीस पकड़ पाएंगे, गोल पीस पकड़ पाएंगे, लेकिन हम स्क्वायर पीस नहीं पकड़ सकते। और फोरजा में क्या है कि फोरजा में जो है हम गोल पीस पकड़ पाएंगे, स्क्वायर पीस पकड़ पाएंगे, लेकिन हेक्सागनल पीस जो है हम फोरजॉज में नहीं पकड़ पाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों आपने देख लिया कि थ्रीजा चक हमारा कैसा है, फोरजा चक हमारा कैसा है, कहाँ पे हम फोरजा का यूज़ करेंगे, कहाँ पे हम थ्रीजा चक का यूज़ करेंगे। ठीक है दोस्तों, दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। और अगर मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।